हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन सुक्का फॉर बिगनर्स। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। पहले हम मैरिनेट करेंगे चिकन को टर्मरिक, चिली, कर्ड, मिंट और कसूरी मेथी से। हम लेंगे अनियंस स्लाइस्ड, बड़े रहेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे तेज पत्ता, क्लव्स, पेपर। इसको अच्छे से फ्राई होने दीजिए। सिनेमन के स्टिक्स भी डालेंगे, थोड़े ही मसाले डालेंगे हम। इसको फ्राई होने दीजिए अच्छे से। अब हम इसके अंदर सौंफ डालेंगे, सौंफ भी ऐसे अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब हम डालेंगे अनियंस जिसको हमने स्लाइस्ड काटा है, थोड़े बड़े ही काटा है क्योंकि हम ये सब कुछ ग्राइंड करने वाले हैं बाद में। ये हम मिक्सर बना रहे हैं, इसका हम पेस्ट बनाएंगे जो चिकन करी में हम डालेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अनियंस को हम ब्राउन होने देंगे। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। हम सॉल्ट हमेशा थोड़ा स्टार्ट में डालते हैं क्योंकि वो अनियंस को अच्छे से कुक होने देता है। हम इसमें कोकोनट भी डालेंगे, कोकोनट के बड़े पीसेस रहेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम इसको बाद में ग्राइंड कर रहे हैं। तो अब हम इसमें कोकोनट डालेंगे। ये है वेट कोकोनट, आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा पैकेट में। आप ग्रेटेड भी डाल सकते हो, ड्राई भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। ओके, तो अब हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये सब जगह से पके। इसको तकरीबन 10 मिनट हम ऐसे ही मिक्स करेंगे। देखो कैसे ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट, एक स्पून। इसको भी हम मिक्स करेंगे। हम बाद में चिली पाउडर भी डालेंगे और हमने मैरिनेशन के लिए भी चिली पाउडर डाला है, इसके लिए हम मिर्ची थोड़ा कम ही डालेंगे इसके अंदर। अब देखिए इसको कैसे कलर आया है फ्राई होने के बाद। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर। टमाटर को बड़ा काटोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये ग्राइंड होने वाला है, इसके लिए हम एक टमाटर लिया है हमने इसमें। इसको भी हम मिक्स कर रहे हैं। इसको हम अराउंड 5-10 मिनट वापस पकाएंगे टमाटर को भी। और अभी हम इसके अंदर मिंट के लीव्स डालेंगे। इससे हमारे चिकन करी को बहुत ही एक अच्छा अरोमा आएगा क्योंकि मिंट बहुत ही अच्छा अरोमा देता है। इसको 5 मिनट और पकाइए। अब हम इसमें डाल रहे हैं 5-6 काजू। इसको भी वापस मिक्स कीजिए। अभी ज़्यादा नहीं, हम 2-3 मिनट ही रखेंगे और इसके बाद हम इस मिक्सर को ग्राइंड करेंगे। उसमें हमने डाला है हल्दी पाउडर, चिली पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी। सारी चीज़ें हमने ये मसाले में ही डाली है क्योंकि हम बाद में कुछ भी मसाला ऐड नहीं कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून। अब हम इसको मिक्स करके इसको ग्राइंड करेंगे और इस मिक्सर को बहुत ही अच्छा कलर आने वाला है क्योंकि हमने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब देखिए ये हमने इसका पेस्ट बना दिया है ब्लेंड करके। अब हम पैन में हम तेल लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे ये मिर्च पाउडर। ये हम तेगी मिर्च यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छा एक कलर आता है हमारे करी को। बस अब इसके अंदर हम डालेंगे ये ब्लेंडेड पेस्ट जो हमने बनाया है अभी, और इसको हम वापस मिक्स करेंगे तो हमारे ये करी को कलर आएगा अच्छे से क्योंकि हमने स्टार्ट में चिली पाउडर डाला है जो है अपना देगी मिर्च, कश्मीरी चिली पाउडर। इसको पकने दीजिए 10 मिनट। अभी इसमें हम देख रहे हैं ये पक रहा है, इसमें बॉयल्स आ रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे
और अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। चिकन को आप मैरिनेट करने के लिए 3 से 4 घंटा रखें तो भी चलेगा, ताकि चिकन मैरिनेट हो जाए प्रॉपरली। कोई कोई लोग फ्रिज में भी रख देते हैं, वो भी चलेगा, रात को मैरिनेट करके सुबह भी बनाते हैं। मैंने ये 2 घंटा ही मैरिनेट कर दिया था। अब हम इसको वापस मिक्स कर रहे हैं। अब हमें चिकन को पकाना है, इसके लिए हम इसको 20 से 25 मिनट पकाएंगे, ताकि चिकन हमारा पक जाए अच्छे से ये पेस्ट के अंदर। अभी जो ब्लेंडर से हमने पेस्ट किया है उसका हम पानी इसके अंदर डालेंगे, और बस हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम चिकन सूखा बना रहे हैं, तो ये थोड़ा ड्राई ही रहेगा, ज़्यादा पतला नहीं रहेगा ये ग्रेवी। मिक्स कर रहे हैं। मैंने बाद में थोड़ा सा चिली पाउडर ऐड किया है कलर के लिए एंड थोड़ा स्पाइसीनेस के लिए, क्योंकि मैं स्पाइसी खाना पसंद करती हूँ। तो चिली पाउडर ऐड करना आपके चॉइस के ऊपर है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है चिकन सुक्का को। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, तो कोई भी इसको ट्राई कर सकते हैं। हमने इसमें अभी नींबू का जूस डाला है, 1 टेबलस्पून काफ़ी है, और गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर के लीव्स, और बस चिकन सुक्का इज रेडी। ये डिश कोई भी घर पे बना सकता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी लगता है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड देखती रहिए हमारे वीडियोस। धन्यवाद।